गाइस यार आज हमें बहुत ही अच्छी बात पता चली है। जल्दी से जाके शिनचैन और चॉप को ढूंढता हूँ। ये रहे वो दोनों जन। शिनचैन चॉप जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। आखिरकार वो मिल ही गया। अरे कौन मिल गया है? शिनचैन हमें फ्रंटमैन का पता चल गया। आज तो उसको छोड़ेंगे नहीं। उस दिन वो हमसे भाग गया था ना। जल्दी से जाके गाड़ी में बैठते गाइस। ये रही हमारी गाड़ी और ये मैं बैठ गया। अबे यार जल्दी आओ ना। अच्छा ठीक है आ गए। अरे रुको रुको मुझे भी बैठने दो। तो गाइस अब जल्दी से चलते हैं। अरे पर वो मिला कैसे? देखो याद है चॉप, मैंने तेरे को बताया था कि मैं उसके पीछे भाग रहा था और वो वहां से गायब हो गया था। उसके बाद वो भागते भागते पुलिस को मिल गया और पुलिस ने सीधा टोनी को फोन किया तो टोनी से यहाँ पर लेके आ गया। अच्छा इसी बात है क्या? तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं। अब जल्दी से उतरता हूँ, तुम दोनों भी आ जाओ। जल्दी से अंदर चलते गाइस। ये रहा वो, आखिरकार हमारे हाथ आ ही गया। उस दिन तो भाग गया था ना बेटा। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, ये हमें बहुत मुश्किल से मिला है। चलो कोई नहीं, कम से कम मिला तो सही। अरे पर अभी हम लोग इसके साथ करेंगे क्या? सबसे पहली बात तो मेरे दिमाग में 2-3 सवाल है। ये सब ये कर क्यों रहा है और ये आखिर में है कौन? अरे हाँ ये बात तो आपने एकदम सही बोली। बस इतनी सी बात हम लोग अभी पता करते हैं। आज हम लोग इसका पास देखेंगे। जल्दी से जाके मशीन को स्टार्ट करता हूँ। सब लोग तैयार हो जाओ। तो गाइस आप लोग तैयार हो फ्रंटमैन का पास देखने के लिए? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे मेरी मम्मी ने खाना लाने के लिए कहा था, मुझे जल्दी से करना होगा वरना मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मुझे लगता है आज भी भीख मांगनी होगी। कोई ना कोई तो होगा जो मुझे खाना दिला देगा। इस भैया से मांग के देखता हूँ, प्लीज भैया मुझे कुछ खाने को दे दो। ये चला जाए यहाँ से, भिखारी का इनका। एक काम करता हूँ, इस दीदी से मांग के देखता हूँ। छू छू मेरे पास कुछ भी नहीं है, भाग यहाँ से भिखारी। कैसे लोग है ये, इनको बिल्कुल भी दया नहीं। मुझे लगता है मुझे कहीं और ढूंढना चाहिए। इस कचरे के डब्बे में देखता हूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है इस साइड कुछ होगा। इसमें भी कुछ नहीं और इसमें भी कुछ नहीं है। अब मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। मेरे पास जाने का भाड़ा नहीं है और जो ट्रेन मेरे घर की तरफ जाती है वो अभी आने वाली होगी। ये रही वो, जल्दी से जाके उसमें चढ़ता हूँ। जल्दी जल्दी और ये मैं चढ़ गया। जॉनी एक बहुत ही गरीब लड़का था, ना तो उसके पास खाने के पैसे थे और ना ही अपनी फैमिली को खिलाने के। बुरा मेरा भाई, मुझे जल्दी से यहाँ से कूदना होगा वरना ये ट्रेन आगे निकल जाएगी। बार बार बचा, चलो कम से कम घर पर तो पहुँचा। अब जल्दी से अपने भाई के पास जाता हूँ। छोटे भाई तुम्हें कुछ खाने के लिए मिला क्या? अरे नहीं भैया मुझे भी कुछ नहीं मिला। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। जल्दी से मॉम डैड के पास जाते हैं। जल्दी जल्दी चढ़ता हूँ यहाँ से। मम्मी पापा कहाँ पर हो आप? मुझे लगता है उस साइड होंगे। ये रहे। मम्मी मुझे माफ कर दो, आज भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। बेटा ये क्या बोल रहा है? तेरे पापा की हालत बहुत खराब है, हमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। मम्मी मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। बेटा अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में हम मर जाएंगे, हमें कुछ तो चाहिए खाने को, ऐसे तो हमारी जिंदगी नहीं कटेगी। जॉनी वहाँ पर भूख की लड़ाई लड़ रहा था पर उसे नहीं पता था कि उसकी तरफ कौन सी मुसीबत आ रही है जो कि उसकी जिंदगी बदल के रख देगी। गाड़ी को यहीं पर रोको और मेरी बात सुनो, ये सामने जो नंगा आदमी दिख रहा है इसे हमें अपने साथ लेके जाना है, जल्दी करो। जी मालिक अभी करता हूँ, आप चिंता मत करो, ये लोग मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। बच्चे दूर हट, सब लोग हट जाओ मेरे रास्ते से। ये ले। वो डोलते माला। आंटी मुझे माफ कर देना, अब ये खाओ, हमें तुम्हारी ही तलाश थी। अब ये ले, अब जल्दी से इसको गाड़ी के अंदर डालता हूँ। ये मैंने इसको उठा लिया, तुम जैसे कई लोगों की तलाश है हमें, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। अब जल्दी से इसको गाड़ी के अंदर डालता हूँ, अब निकलते हैं यहाँ से। मालिक काम हो गया। बहुत अच्छे, अब चलो यहाँ से। कौन थे वो लोग और वो लोग जॉनी के डैडी को क्यों अपने साथ लेके गए? ये सब एक सस्पेंस था। पापा कहाँ पर चले गए? अभी तो यहीं पर थे। क्या किया उन लोगों ने हमारे साथ? बेटा वो लोग तुम्हारे पापा को लेके गए। आप लोग यहीं पर रुको, मैं अभी उन्हें ढूंढ के आता हूँ। कहाँ पर हो पापा? दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते साल बीत गए और जॉनी को अपने पापा का पता ही नहीं चला। वो उन्हें ढूंढता ही रहा। फिर एक दिन उसे अचानक एक फोन आता है जो कि अननोन नंबर से होता है। पता नहीं यार पापा कहाँ पर चले गए, मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। अब ये किसका फोन है? ये तो अननोन नंबर से है। जल्दी से उठाता हूँ। बेटा तुम कैसे हो? पापा ये आप हो? हाँ बेटा ये मैं ही हूँ। अब मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी से वहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। अच्छा ठीक है अभी आता हूँ, मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। एक काम करता हूँ ये साइकिल लेके जाता हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी। आखिरकार मुझे अपने पापा का पता चली गया, मुझे उन्हें जाके देखना है वो किस हालत में होंगे। इस समय जॉनी के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि इतने सालों बाद उसके पापा का फोन उसके पास कैसे आया? अगर वो जिंदा थे तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? और वो इतने दिनों तक थे कहाँ पर? लोकेशन तो इसी घर की आ रही थी। जल्दी जल्दी अंदर जाता हूँ। पापा मैं आ गया, आप कहाँ पर हो? मुझे लगता है मुझे इस घर के अंदर जाना होगा। साइकिल को यहीं पर रोकता हूँ, ये घर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, पता नहीं किसका होगा। और पापा यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा, जल्दी से जाता हूँ। वो रही मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई भी यहीं पर है। मम्मी मैं आ रहा हूँ, मुझे लगता है पापा ने इनको भी फोन किया होगा। देखो मम्मी मैं आ गया और पापा का भी पता चल चुका है। हाँ बेटा वहाँ पर देखो। एक मिनट, ये तो मेरे पापा है पर इनके पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए? पापा ये घर किसका है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी से बताओ। बेटा ये सब कुछ मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूँ। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये सब मैंने जीता है, तुम लोग भी जीत सकते हो, मेरा साथ दो, हम लोग और भी अमीर हो जाएंगे। इतने जल्दी इतने पैसे कहीं से नहीं आ सकते, पक्का आपने कोई गलत काम किया है, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। क्या बोला तू मेरा साथ नहीं देगा? फिर निकल मेरे घर से, और वो भी अभी क्या अभी। पापा ये क्या किया आपने? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, मैं आपको जिंदगी भर ढूंढता रहा और आपने मुझे एक पल में बाहर उठा के फेंक दिया। मम्मी चिंता मत करो,
मैं आपको लेने आऊंगा। तब तक आप पापा से दूर रहना, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, मैं जल्दी लौटूंगा। अब जल्दी जल्दी जाता हूँ यहाँ से, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे अपने छोटे भाई को फोन करना चाहिए, वरना वो भी किसी गलत रास्ते पे चला जाएगा। जल्दी जल्दी फोन करता हूँ उसको। ये लगाया मैंने फोन। हेलो छोटे भाई, मेरी बात ध्यान से सुन, तू बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहा है, प्लीज ऐसा मत कर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, फोन रखो। मुझे जिसका डर था वही हुआ। एक काम करता हूँ, वापस से घर के अंदर जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ मुझे कोई नहीं देखेगा। चलो यहाँ पर कोई भी नहीं है, मुझे अपने छोटे भाई को ढूंढना होगा। एक मिनट, वो क्या, वो लोग तो कहीं पर जा रहे हैं। रुक जाओ वहीं पर, मेरे मम्मी और मेरे भाई को लेके कहीं पर मत जाओ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं पापा। अरे ये लोग तो चले गए। जॉनी अपनी फैमिली का अच्छा चाहता था, पर मामला उसके आंखों के सामने से निकलता जा रहा है। एक काम करता हूँ, ये गाड़ी लेके जाता हूँ, मुझे कैसे भी करके उन्हें ढूंढना होगा, वरना वो लोग कुछ गलत कर बैठेंगे। पता नहीं कहाँ पर गए वो लोग। वो लोग तो आगे निकल गए, पर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, कहाँ जा सकते हैं। वो रहे, वो लोग तो बहुत ही स्पीड में जा रहे हैं। मेरे पास तो एक खटारा गाड़ी है, मैं उन तक कैसे पहुँचूंगा, मुझे कोशिश करते रहना चाहिए। जॉनी बहुत ही डर गया था, उसे लगा पापा तो गलत रास्ते पे निकल गए है, कहीं वो मेरे मम्मी और भाई के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। ये चिंता उसे खाई जा रही थी, वो उनका पीछा करता रहा। इनको यहाँ पर रोकता हूँ। अरे ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी टकरा गई, जल्दी से टर्न लेता हूँ। ये तो फिर से आगे निकल गए, कहाँ गए कहाँ गए। वो रहे मेरे सामने, ये लो। अरे यार फिर से नहीं, पापा प्लीज रुक जाओ, आपको मेरी कसम, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं मेरे पापा के साथ ऐसा किसने किया होगा, वो पूरी तरीके से बदल गए है, उन्हें अब अपने फैमिली की कोई भी चिंता नहीं, वो सिर्फ अपने फायदे का सोच रहे है। पर मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, पर अपने माँ और भाई को बचा कर रहूंगा। कब तक भागोगे मुझसे, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, मैं काफी नजदीक पहुंच गया हूँ। अरे ये क्या, ये तो फिर से निकल गए, मुझे लगता है इस साइड गए होंगे, जल्दी से टर्न मारता हूँ। वो रहे, वो तो बहुत ही ज्यादा आगे निकल गए, जल्दी जल्दी उनके पास जाता हूँ। पर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो एयरपोर्ट है, ये लोग कहीं पर भाग तो नहीं रहे, मुझे जल्दी करना होगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पापा कहाँ पर हो आप, प्लीज ऐसा मत करो, कहाँ पर गए वो लोग। एक मिनट, यहाँ पर तो बस एक प्लेन है, कहीं वो लोग इसी में तो नहीं जा रहे। ये कौन है जो इनका पीछा कर रहा है, मुझे इसे अभी रोकना होगा। ये मैंने निशाना लगाया और ये गया, और ये गया दूसरा टायर। अरे ये क्या हो गया मेरी गाड़ी को, मेरी गाड़ी के तो दोनों टायर ही फूट गए, और वो प्लेन तो जा रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, ये गाड़ी तो अब किसी काम की नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा जिससे मैं उनका पीछा कर सकूँ, कोई तो चीज होगी। पूरा सामने हेलीकॉप्टर, ये मेरे काम आएगा, जल्दी से उसके पास जाता हूँ। इस गाड़ी के तो ब्रेक भी नहीं लगे, जब टायर ही नहीं है तो ब्रेक कैसे लगेंगे। अब जल्दी से जाके हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ। ये वो समय था जब जॉनी को लगा कि वो उनके हाथ से निकल जाएंगे, फिर भी जॉनी ने हार नहीं मानी, वो उनका पीछा आसमान में भी करता रहा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, मैं बस पहुँचने वाला हूँ, ये तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में उड़ रहा है, मुझे जल्दी जल्दी इसके ऊपर जाना होगा, कहीं मेरे हेलीकॉप्टर का फ्यूल ना खत्म हो जाए। मेरे पास यही मौका है, मैं इस प्लेन के ऊपर हूँ, अब जल्दी से यहाँ से जंप मारता हूँ। ये मैंने मारी जंप, मुझे कैसे भी करके उसके अंदर पहुँचना होगा, प्लीज पहुँच जा, प्लीज पहुँच जा। अरे बाप रे, चलो बार बार बचा, आखिरकार मैं इसके अंदर पहुँच ही गया। अब जल्दी से उठता हूँ, ये रहा मेरा छोटा भाई और मेरे पापा। पापा ये आप बहुत गलत कर रहे हो, आपको जो करना ही करो, पर मेरे छोटे भाई को छोड़ दो, उसको इन सब में मत घसीटो, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैं तो तुझे अपना बेटा मानता था, तू तो साफ निकला, तू मेरे किसी काम का नहीं है निकम्मे। छोटा भाई मेरे साथ रहेगा, तू हमसे दूर चला जा, भाग यहाँ से। ये तो अब गया, ये ले। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मेरा सर तो बहुत तेजी से दुख रहा है, ये मैं कहाँ पर आ गया और वो लोग कहाँ पर गए। बुरा प्लेन, मुझे लगता है उन्होंने मुझे वहीं से फेंका होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। एक मिनट, यहाँ पर कुछ तो है, जल्दी से उठा के देखता हूँ। इस पेपर पे तो कोई साइन बने हैं, पर ये है क्या, मुझे लगता है ये भी प्लेन से गिरा होगा, इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। जॉनी हार मान के वहाँ से चला जाता है। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था, तो उसने बहुत मेहनत करी और एक दिन वो पुलिस वाला बन गया। अब देखिए आगे। चलो आखिरकार मैं पुलिस स्टेशन पहुँच ही गया, अब जल्दी से उतरता हूँ। क्राइम तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे है, पता नहीं शहर का क्या होगा। अब तो मेरी फैमिली को जाए भी काफी दिन हो चुके हैं, जल्दी से अंदर जाता हूँ। ये क्या, ये क्यों रो रहा है, इसे जाके पूछता हूँ, क्या हुआ रो क्यों रहे हो। अरे ऑफिसर क्या बताऊँ, मेरी फैमिली गायब हो गई है, मेरे मॉम डैड भाई बहन सब गायब हो गए। मैंने उनका बहुत पीछा किया, पर वो लोग उसे ले गए, और मुझे वहाँ पर कोई तो पेपर मिला था, ये देखिए। अरे ये तो वैसे ही साइन है जैसे मैंने उस दिन देखे थे, पक्का इसके मेरी फैमिली से कुछ लेना देना है। एक काम करता हूँ, इस पेपर पे जो नंबर है उस पे फोन लगा के देखता हूँ। ये लगाया मैंने फोन। हेलो मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारा कार्ड मिला, मुझे भी पैसे कमाने हैं, बोलो मुझे क्या करना होगा। अच्छा ठीक है, फिर मेरी बात सुनो, माउंट चिल्लियाट के पीछे एक ट्रेन ट्रैक है, वहाँ से एक ट्रेन जाएगी, जल्दी से उस पर आ जाओ। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से जाके गाड़ी में बैठता हूँ, मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा, पर मैं वहाँ पर पुलिस वाला बन के नहीं जा सकता, वरना उनको पता चल जाएगा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। चलो फाइनली यहाँ पर पहुँचा, पर यहाँ पर तो कोई भी ट्रेन नहीं है, मुझे लगता है मुझे इंतजार करना होगा। ये आ गई ट्रेन, अब जल्दी से जाके उस पर चढ़ता हूँ। अरे अरे बार बार बचा, अभी तो मैं गिर ही जाता, मुझे जल्दी करना होगा। ये मैंने मारी जंप, नहीं नहीं नहीं, बार बार बचा, बहुत जोर से लगी है। चलो इस पर तो मैं पहुँच गया, पर मुझे यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग है, मुझे लगा था मैं अकेला ही होऊंगा। ये किसका फोन आ रहा है, ये तो उनका ही फोन है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें इस ट्रेन के
के इंजन तक पहुंचना है। उसके आगे एक लोकेशन आएगी, फिर तुम्हें इस ट्रेन से उतर के एक बाइक रेस करनी है, तो जल्दी से करो। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है मुझे इन्हें रास्ते से हटाना होगा। मुझे माफ कर देना ये लो, पर मुझे ये करना ही होगा। अगर इतने सारे जन यहाँ पर रहे तो मैं पीछे रह सकता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों को इस गेम से कम करना होगा। ये लो, पता नहीं लोग मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ता हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग हैं। ये लो। अरे बाप रे, क्या उड़ के गई है। चाचा मुझे माफ कर देना, मेरा ये करना बहुत जरूरी है। अगर मैं पता नहीं लगा पाया कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं तो हम जैसे कई मासूमों की जान जाएगी। अब ये लो, अभी भी मुझे बहुत सारे लोगों को हटाना होगा। तुम भी लो, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच ही जाऊंगा। अरे नहीं, यहाँ पर भी बहुत लोग हैं। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जल्दी जल्दी आगे जाना होगा। अब तुम भी लो, पता नहीं वो इन लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं और हमसे ये गेम क्यों खिलवा रहे हैं। तुम क्यों खड़े हो, चुपचाप सब लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने बहुत जन को ठिकाने लगा दिया, अब बस थोड़े लोग बाकी है। अब फटाफट आगे जाता हूँ। ये लो, और अब तुम भी लो। अब यहाँ पर क्यों खड़ी हो, नीचे जाओ। अब जल्दी जल्दी आगे जाता हूँ। मैं ट्रेन के इंजन तक पहुँच गया, अब वो जगह आने वाली होगी। थोड़ा सा और आगे जाके खड़ा हो जाता हूँ। लोकेशन तो यही की थी, जल्दी से कूदता हूँ। आउच आउच, चलो बार बार बचा। मुझे तो लगा था मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा। अब जल्दी जल्दी बाइक की तरफ जाता हूँ, इससे पहले कि बाकी लोग पहुँचे। बाइक यही कहीं पर होनी चाहिए, मुझे लगता है इस साइड होगी। अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत सारे लोग मुझसे आगे भी है और थोड़े बहुत पीछे भी आ रहे हैं। जल्दी जल्दी जाके अपनी बाइक पर बैठता हूँ। ये लोग तो निकल गए, मुझे जल्दी करना होगा। जल्दी से चालू हो जा, मुझे कैसे भी करके इनको पीछे करना होगा। जॉन एक बार फिर से अपने माँ बाप की तलाश में निकल चुका था, पर इस बार उसका तरीका अलग था, क्योंकि इस समय वो एक अंडरकवर एजेंट बनके अपनी मंजिल की तलाश में निकला था। पर उसे एक चीज की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ये एडवेंचर उसकी जिंदगी को कहाँ पर लेके जाएगा। अब देखिए आगे। अरे ये लोग तो मुझसे बहुत आगे निकल गए। ये लो, दूर हटो मेरे रास्ते से। अरे ये तो बच गया, पर इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब ये ले, ये खा, इसको तो मैं टक्कर मारते रहूंगा। मैं भी देखता हूँ ये मुझसे आगे कैसे जाता है। अब मेरे पीछे रहना, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो इन सबको बताता मैं। इस बार तो मैं इस रास्ते पर से पर्दा उठा के रहूंगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, वो लोग कौन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन्होंने मेरे बाबा को क्यों उठाया था। मुझे इन सारे सवालों का आंसर चाहिए। चलो फाइनली मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, मुझे कैसे भी करके इनसे जीतना होगा, तभी मैं आगे जा पाऊंगा। ये रही फिनिश लाइन, और ये मैं पहुँच गया। फाइनली मैंने कर ही दिखाया। अब जल्दी से वापस जाता हूँ। अब इन हारे हुए लोगों को अपने घर पे वापस जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, हेलमेट निकाल लेता हूँ। मुझे माफ कर देना, यहाँ पर तो मैं जीत गया, अब तुम सबको अपने घर पे जाना होगा। अरे ये क्या हो गया, ये क्या क्या तुमने उनके साथ, ये तो बहुत ही गलत है, तुम लोगों को मार नहीं सकते, ये मैंने क्या कर दिया। अब मैं इनकी बताई हुई दूसरी जगह पर भी पहुंच गया, पर मुझे यहाँ पर करना क्या होगा, और वो सामने इतनी बड़ी डॉल क्या कर रही है, कोई मुझे बताएगा। इस गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट पर आपको चलना है और रेड लाइट पर रुकना है। शुरू हो जाइए। अरे ग्रीन लाइट हो गई, जल्दी जल्दी भागता हूँ, मुझे ध्यान रखना होगा। रेड लाइट हो गई, अरे ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या, रुक जा, ये तो पक्का मरेगा। चलो फाइनली रुक ही गया। एलिमिनेट, ये तो बहुत बुरा हुआ इसके साथ, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्त तुम अपना ध्यान रखना। चलो ग्रीन लाइट हो गई, जल्दी जल्दी भागते हैं वरना रेड लाइट हो जाएगी। जल्दी से रुकता हूँ, रेड लाइट हो गई। दोस्त रुक जा वहीं पर वरना तू भी मारा जाएगा, ये तो पक्का गया। ये भी एलिमिनेट, मैंने इसे कहा था। ग्रीन लाइट हो गई, अब जल्दी जल्दी जाता हूँ, मुझे फटाफट भागना होगा। ये मैं पहुंच गया, चलो फाइनली बचा। आखिरकार ये मैं जीत गया हूँ, पता नहीं इनके मालिक के पास जाने का मौका मुझे कब मिलेगा। अरे ये किसका फोन है, ये तो बॉस है, जल्दी से उठाता हूँ। मेरी बात सुनो, अभी जो प्लेयर जीता है वो एक अंडरकवर एजेंट है, इसे उठा के लॉकअप में डाल दो, ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। अच्छा ठीक है, अब तो ये गया। ये ले, हमें उल्लू बनाने चला था, इसे पता नहीं है हमारी नजरों से कोई नहीं बच सकता। इन्होंने तो मुझे बहुत जोर से मारा था, अब ये मैं कहाँ पर आ गया, ये तो किसी रूम जैसा लग रहा है। ये क्या, ये तो किसी इन्वेस्टिगेशन रूम जैसा है। ये लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं, मैं तो गेम जीत गया था। यहाँ से बाहर जाने का कोई तो रास्ता होगा, एक काम करता हूँ ये दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। अरे यार ये तो लॉक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोई है, वो रहा उसको बोलता हूँ। हे दोस्त मेरी बात सुन, मैं वो गेम जीत गया था, प्लीज मुझे बाहर निकाल, तुम मेरी बात सुन रहे हो। चुपचाप अंदर बैठा रहे वरना गोली से मार दूंगा, समझा, पागल कहीं का। अरे यार ये लोग तो खोल ही नहीं रहे, पर इनको नहीं पता मैं भी एक पुलिस वाला हूँ, ये लॉक तो मैं छुपके खोल लूंगा। चलो फाइनली खुली गया, अब आराम से जाता हूँ, इसको अभी तक पता नहीं चला, ये तो बचेगा नहीं मेरे हाथ से। ये क्या, मेरा भाई तो जेल से निकल गया और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये मुझे पकड़ लेगा, मुझे पता ये मेरी तलाश में आया है, जल्दी जल्दी भागता हूँ। आखिरकार मैंने इसको मार के इसके कपड़े पहन ही लिए, अब जल्दी से जाके इसका मास्क भी पहनता हूँ। चलो ये काम भी हो गया, अब मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा। जल्दी जल्दी जाके अपने भाई और अपनी माँ को ढूंढता हूँ, वो लोग यही कहीं पर होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और पिताजी को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, उनकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अगर मैं पकड़ा गया तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे ये क्या, चले जाओ यहाँ से, ये तो मेरे भाई की आवाज है। भाई रुक जाओ, भाग रहे क्यों हो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, जल्दी जल्दी जाना होगा मुझे। भाई प्लीज रुक जाओ।
मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। इस नर्क से निकलो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम ऐसे भी बहुत खुश थे, ऐसे पैसों का हम क्या करेंगे जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। ये तो भागते ही जा रहा है। जॉनी को अपना भाई मिल गया था, पर अब वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो जॉनी को देखते ही वहाँ से भाग गया और जॉनी उसका पीछा करते रहा। जॉनी की पूरी जिंदगी इन्हें पकड़ने में चली गई। भाई मैं अभी कह रहा हूँ तुम रुक जाओ, वरना मुझे कुछ गलत करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। और हमारी मम्मी कहाँ पर है, मुझे जवाब दो। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे इसका पीछा करना ही होगा। ये तो जेट स्की लेके भाग रहा है। भाई प्लीज रुक जाओ, अब मैं क्या करूंगा, मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए, ये मेरे काम आएगी। एक काम करता हूँ, ये लेके भागता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ उसके पास। और ये मैं बैठ गया, वो तो बहुत आगे निकल गया है, मुझे जल्दी से उसका पीछा करना होगा, वरना वो इस बार भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैंने बहुत मुश्किल से उसे ढूंढा है, अभी तो इन लोगों को पता भी है कि मैं कौन हूँ। वो लोग मुझे कभी आने नहीं देंगे या फिर मुझे मार देंगे। भाई मैं तेरे पीछे हूँ, तू कितना भी भाग ले कोई फायदा नहीं है, आज मैं तुझे पकड़ के रहूंगा। तेरे पास अभी भी मौका है, सरेंडर कर दे, मैं तेरी सजा को कम से कम करवाऊंगा। पापा के पीछे मत जा, ये तो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। भाई यहाँ पर भाग रहा है, पिताजी पता नहीं कहाँ होंगे और माँ पता नहीं कहाँ पर है। ये क्या, ये तो यहाँ से गायब हो गया। पर ऐसा नहीं हो सकता, चारों बाजू तो बस समंदर ही समंदर है, कहीं वो पानी के अंदर तो नहीं कूद गया। जल्दी से जाके देखता हूँ। भाई मैं आ रहा हूँ, तू कहाँ पर चला गया, प्लीज मुझे जवाब दे, मेरी बात को समझ, मुझे तुम लोगों की जरूरत है। मैं जिंदगी में बहुत अकेला हो गया हूँ, वो तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एक मिनट, वो क्या चीज है और ये चीज पानी के अंदर कैसे आई, ऐसा लग रहा है पानी के अंदर कोई सीक्रेट बेस है। जल्दी से ऊपर जाके देखता हूँ। अरे ये क्या, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। फटाफट ऊपर चढ़ता हूँ, पता नहीं वो लोग यहाँ पर क्या करते होंगे। यहाँ पर तो जरूरत का सारा सामान है, मुझे लगता है यही वो जगह है जहाँ पर इनका मालिक रहता होगा। यहाँ पर तो भागने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ है, पर इस बार मैं किसी को भी भागने नहीं दूंगा, ये मिशन तो मैं पूरा करके रहूंगा। मुझे लगता है वो लोग ऊपर होंगे, जल्दी जल्दी इन सीढ़ियों से चढ़ता हूँ। भाई मैं आ गया हूँ, ये रहा वो, जल्दी से इसके पास जाता हूँ। अब तू नहीं भाग पाएगा, मेरी बात सुन, ये सब छोड़ दे और मेरे साथ चल, तूने बहुत क्राइम कर लिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा था ना चला जा यहाँ से, मुझे तेरे साथ नहीं आना, मैं तेरी तरह भिखारी रहना नहीं चाहता। ये ले, मुझे मजबूर मत कर भाई, तेरे गुनाहों की सजा तुझे मिलेगी, पापा ने तुझे पूरा बिगाड़ दिया है। ये ले और ये खा, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं ये सब होते नहीं देख सकता। अब तू मेरा भाई नहीं रहा, मुझे माफ कर देना, पर मुझे ऐसा करना पड़ा। ये ले, कैसा दिन आ गया है, मुझे अपने फैमिली मेंबर को मारना पड़ा। एक मिनट, ये रहे डैड, पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज आप मेरे हाथ से नहीं बचोगे, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से मेरा भाई मारा गया, मुझे खुद उसकी जान लेनी पड़ी, मम्मी अभी तक गायब है, आपने बहुत ही गलत किया हमारे साथ। अरे अरे बेटा मेरी बात तो सुन, तुझे कोई गलत फहमी हो रही है, अभी भी टाइम है, मैं तुझे अमीर बना सकता हूँ, अभी भी आपको सिर्फ पैसे दिख रहे हैं। मुझे माफ कर देना पापा, पर मुझे ये करना होगा, मुझे ये सब खत्म करना है। ये लो, ये मजबूरी यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसे अपने पापा तक को मारना पड़ा, उसके भाई की मौत उसके हाथों हुई, अब पता नहीं आगे क्या क्या होगा। अरे वो कौन है वहाँ पर और वो ऐसे क्यों खड़ा है, उसे डर नहीं लगता क्या, अभी जाके उसे बताता हूँ। एक मिनट, इसको तो कहीं देखा देखा लगता है। मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो ये किसका फोन आ रहा है, जॉनी मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, पर अब तुम्हारी मम्मी नहीं रही, एक भिखारी ने उन्हें लूटने के चक्कर में मार दिया। ये क्या, तुम्हारी माँ को तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने मार दिया, अभी पता चला ये सब मैं क्यों करता हूँ। गरीबी बहुत ही बुरी चीज है, इससे अच्छा अपनी किस्मत आजमाओ, ये घुट घुट के जीने से तो अच्छा है। तुमने एकदम सही कहा, ये दुनिया बहुत ही बुरी है, हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है। अब मैं समझ गया हूँ, मुझे भी तुम्हारे लिए काम करना है, लोगों की गरीबी अब मैं और नहीं देख सकता, जिंदगी बहुत बुरी है गरीबों के लिए, मुझे बता मुझे क्या करना होगा। तुम बहुत ही स्पेशल हो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अच्छी पोस्ट पर रखूंगा, ये गार्ड का काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मेरे खास आदमी बनोगे। पर तुम लेके कहाँ पर जा रहे हो मुझे, तुम बस मेरे पीछे आओ, जैसे मैं मास्क पहनता हूँ तुम्हारी पोस्ट के लिए भी कपड़े हैं, तुम वो पहन के काम करोगे। अच्छा ठीक है, कहाँ पर है कपड़े, वहाँ देखो। कहाँ पर, ये तो बहुत ही अलग से कपड़े हैं, पर मेरी पोस्ट क्या होगी। अब जल्दी से जाके इस कपड़े को पहनता हूँ, ये तो बहुत ही अलग से लग रहे हैं, अब से मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दूंगा, अब से यही मेरी जिंदगी है। आज से तुम्हारा नाम फ्रंटमैन होगा। तो ऐसे जॉनी फ्रंटमैन बना और उसने इस गेम को आगे बढ़ाया। आपको ये कहानी कैसी लगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ।